नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी हॉटस्पॉट पर। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट की जो LDC की भर्ती थी उसको रद्द कर दिया गया है, और आज आपके लिए इस भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। न्यूज़पेपर में पूरा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि क्या अब आपके जो भर्ती में है क्या होने वाला है आगे। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, साथ ही इस वीडियो को है अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो आपको बताते हैं, इसकी पूरी अपडेट आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में। इस भर्ती को लेकर पूरी जानकारी दी गई है जिसमें आपको मैं बता देता हूँ, साल इसी साल 1760 पदों के लिए 13 मार्च को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। हाईकोर्ट ने LDC भर्ती परीक्षा है रद्द की है, नए सिरे से आपकी भर्ती है वह आयोजित कराई जाएगी और इसकी आवेदन प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू होने वाली है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को LDC कलर की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है क्योंकि धांधली के बाद पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द किया कर दिया गया है। प्रदेश भर में इसी साल 1760 पदों के लिए 13 मार्च को भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया था और साल 2020 में आवेदन प्रक्रिया शुरू पूरी की गई थी। 18 मई को रिजल्ट जारी कर दिया था। रिजल्ट में सामान्य वर्ग से अधिक OBC की कट ऑफ जाने के बाद में विवाद काफ़ी बढ़ गया था और वहीं 2 साल में भी भर्ती परीक्षा के दौरान युवक धांधली करते हुए पकड़े पाया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जांच भी की गई थी जिसमें धांधली मिलने पर हाईकोर्ट प्रशासन ने पूरी भर्ती की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। जिस ऐसे में अब नए सिरे से भर्ती का आवेदन की प्रक्रिया है शुरू की जाएगी जिसमें 13 जो है मार्च को हुई भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को उम्र में भी छूट देने के लिए साथ ही फीस नहीं देनी होगी। भर्ती परीक्षा में जनरल कैटेगरी की मेरिट 194 नंबर रखी गई थी, वही OBC की कट ऑफ है जनरल से लगभग 30 नंबर ज़्यादा यानी 224 पर पहुंच गई थी अधिक, जबकि AWS अभ्यर्थियों की कट ऑफ है कभी भी जनरल से 26 नंबर ज़्यादा यानी 230 पर पहुंच गई थी। इसके साथ ही RPC उम्मीदवारों को जो है SC कैटेगरी के उम्मीदवारों को भी कट ऑफ जनरल से 6 नंबर ज़्यादा 200 और MBC की कट ऑफ है 198 नंबर रही थी, जिसकी वजह से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट में भी शामिल नहीं किए गए। तो आप देख सकते हैं इसकी जो कट ऑफ भी जारी की गई थी वह भी एकदम जो है ऐसे ही जारी की गई थी ऊपर नीचे, इस वजह से भी इस भर्ती को है एक बड़ा कारण मान सकते हैं रद्द करने का। इसके साथ ही इस भर्ती में कुछ धांधली भी हो गई थी, इस वजह से भी भर्ती को रद्द कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी है, आपको इसी प्रकार की कोई और अपडेट आएगी सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।